अस्सलाम वालेकुम टू आवर यूट्यूब चैनल दी फनलीशियस। आज हम आपको ऐसी जगह लेके आए हैं जो कि एक सेगमेंट है, जो कि लिमिटेड सेगमेंट है। जैसे कि आपको मेरी फिंगर्स में देखते होंगे आप वीडियोस में, जेमस्टोन्स में पहना हुआ होता हूँ। ये मेरा बेसिकली पर्सनल शौक भी है। मैं जेमस्टोन्स का बहुत टाइम से फाउंड भी हूँ और क्या कहते हैं, इसका मैं बिज़नेस भी करता हूँ, ठीक है, साइड बिज़नेस। अल्टीमेटली ये है कि पहले वीडियो शुरू करने पे ही मैं आपको बता दूँ कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है, अल्लाह की मर्ज़ी के अलावा कुछ नहीं होता। जो लोग आपको कहेंगे जेमस्टोन पहन लो तो आपका ये फॉर्चून हो जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो है वो बातें अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें कोई इतना सदाकत है नहीं। अगर ऐसा होता तो हर कोई जेमस्टोन्स के ज़रिए ही मदद ले रहा होता। बहरहाल ये है कि जेमस्टोन के शौकीन भी बहुत लोग अभी भी मौजूद हैं, जो कि जेमस्टोन पहनना और उसको वेयर करना, उसको ख़रीदना बहुत कंटिन्यूसली रखते हैं। जैसे आपने मेरी फिंगर्स में भी देखा होगा, मैं भी एक वक्त में दो जेमस्टोन्स पहना हुआ हूँ। तो मज़ीद ये कि इस मार्केट को मैं विज़िट करवा रहा हूँ, हमारे साथ रहें और इसकी डिटेल वीडियो के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मार्केट विज़िट करवाना चाह रहे हैं जो जेमस्टोन के शौकीन हैं उनके लिए। तो ये जगह जो है वो किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप इनको बहुत वैरायटीज़ मिलेंगी। जो इन्होंने यूट्यूब पे देखा होगा, किसी वीडियोस में देखा होगा, वो जेमस्टोन रियल में यहाँ पे इनको मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक शॉप विज़िट करवा रहा हूँ जहाँ से मैं खुद भी शॉपिंग करता हूँ। तकरीबन 6-7 सालों से मैं इनसे शॉपिंग कर रहा हूँ। इनके प्राइस वगैरह बहुत ज़बरदस्त होते हैं और क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। आ जाएँ इस शॉप में, मैं आपको विज़िट करवा रहा हूँ। क्या हाल है आपके, ठीक ठाक? और आज हम आ गए, जैसे कि मैंने कहा था, किसी मैं शॉपिंग के लिए तो बहुत दफ़ा आए हूँ, लेकिन आज जो है वो दिखाने के लिए आए हूँ वो किस तरह जेमस्टोन लिए जाते हैं, क्या इसके प्राइस होते हैं और किस तरह इनका हिसाब किताब होता है, क्योंकि हर जेमस्टोन अलग अलग हिसाब से मिलता है। कुछ जो है वो पर पीस मिलते हैं, कुछ जो पर कैरेट मिलते हैं, वो सब आपकी डिटेल वीडियो है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो रेहान भाई, ये बताएं कि सबसे पहले तो सबसे जो कॉमन स्टोन है, जो अभी जो हर कोई ज़्यादा लोग पहनना पसंद करते हैं और जो सबसे कॉमनली कोई भी पहन सकता है, ये इसमें कोई गोल नहीं होता कि आपका स्टार कौन सा है या आपका जायजा वगैरह, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। कॉमनली न्यूट्रल सकता है, कोई भी पहना जा सकता है। तो अकीक के बारे में बताएं, आपके पास कैसे कैसे वेराइटियाँ हैं अकीक के बारे में? और एक ये अकीक है, ये शीट वाला अकीक चलाता है ना चाइना। सही, ये मतलब स्टोन नहीं ओरिजिनल, ये ओरिजिनल स्टोन, ये ओरिजिनल अकीक है, ये अकीक ईरानी अकीक है, ये ओरिजिनल है और ये चाइना है। इसमें डिफरेंट साइज भी आते हैं, इसमें डिफरेंट साइज भी आते हैं, कलर भी आते हैं, ठीक है। इसमें ब्लैक आता है, ग्रीन है और इसमें जैसे कि मैंने एक पहना हुआ अकीक, यही वाला ये है जी। रेहान भाई, तो इसमें ब्लैक अकीक आपने दिखा दिया, इसमें और भी कलर्स आते हैं अकीक में? इसमें कलर जो आते हैं ना, ये शीट वाले जो अकीक होते हैं, इसमें ग्रीन है, येलो है और रेड कलर है। सही, इसमें ये शीट वाले में ये कलर है। अच्छा, ईरानी अकीक में ये ब्लैक होगा। सही, और ग्रीन है,
येलो है, ईरानी जीत के ओरिजिनल में चार कलर इसके चार और ये चार से पाँच कलर ठीक है। एक 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 अतीक मुझे बहुत पसंद आया था आपका यमनी अतीक जो आपने अलग से मुझे जमा दिखाया था, वो भी दिखा दीजिएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट कलर होता है इसका और ये यमनी अतीक ओरिजिनल है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि इसमें ईरानी अकीक और यमनी अकीक में क्या फ़र्क है, सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल है। ईरानी और इसमें ईरानी में यमनी में फ़र्क है कि ये बेस्ट क्वालिटी रॉयल के हिसाब से यमनी वाली यमनी वाली ठीक है। ये यमनी अकीक ये देखें कमी ठीक है। अच्छा इसमें ये देखें ये क्वालिटी के हिसाब से जो है इसमें ये फाइन क्वालिटी होती है, इसमें साइज़ वगैरह होंगे छोटा साइज बड़ा साइज वो आपको मिल जाएगा इसमें ठीक है। अच्छा इसके अलावा जैसे इसके येलो कलर है जर्द अकीक भी कहलाता है, ये जर्द अकीक भी कहलाता है। अच्छा ये येलो कलर में इसमें आप क्वालिटी के हिसाब से देखें ये फाइन क्वालिटी में जर्द अकीक सही सही जर्द अकीक के वैसे के सबसे डिमांडिंग जेंट्स होने बहुत ज़्यादा डिमांड में है। इसके क्या प्राइस है उसे? इसके प्राइस होते हैं मैंने ये वन पीस के हिसाब से होता है तो ये 2500 सही इसके हिसाब से होते हैं। इसी तरह से ये गली अकीक है इसके भी तकरीबन यही सही प्राइस होते हैं डिपेंडिंग ऑन के कितना कितना प्योर है वो जो स्टोन है वो कितना प्योर है, इसमें भी ये चीज़ भी डिपेंड करती है, इससे ए क्वालिटी बी क्वालिटी ये चीज़ भी आप समझ लें क्या आती है। ठीक है जी, ये दो अकीक की दो फैमिलीज हो गए ठीक है। अच्छा रेहान भाई इसके अलावा नेक्स्ट स्टोन की तरफ चलते हैं जो कि इसके बाद सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होता है फिरोज़ा। फिरोज़ा आप दिखा रहे हैं उसमें ये होता है कि इसमें यह है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि फिरोज़ा पहनने से जो है वो बहुत गर्म पत्थर है और नुकसान होना शुरू हो जाता है, ये होना शुरू होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया था ये सब बात बिलीव की होती है अपने अपने, जिसकी बिलीव होगा वो उसके हिसाब से पहन सकता है। अच्छा फिरोज़े में जो है एक ये शजरी फिरोज़ा कहलाता है और एक ये जो साइज़ है शजरी फिरोज़ा और इसके अलावा एक फिरोज़े में ये क्वालिटी होती है ये अच्छी क्वालिटी में है, ये शजरी है, ये तीनों ईरानी माइन सही ईरानी वो है इसका माइन के साथ ये ईरानी है। अच्छा एक एरासोना आता है एक इंडियन आता है, सबसे टॉप क्वालिटी जो है ईरानी फिरोज़ा सही ये ईरानी फिरोज़ा में एक कलर में ये है और एक स्टोन सही। ये जेट वाला फिरोज़ा भी कहलाता है इसमें जो पैक्स वगैरह आते हैं जी जी इसमें इंक्लूजन वगैरह होती है ये ना इसमें सैनिक चलने के जो जहाज आते हैं वो शरीर में लगे हुए इसलिए शरीर इस पर डाल जाते सही ठीक है। रेहान भाई अगले स्टोन में चलते हैं तो मेरा फेवरेट स्टोन है आपको आपसे मैंने एक दफ़ा लिया भी था नीला जिसे ब्लू सफायर कहा जाता है नीलम। अच्छा ये देखो दानिश भाई ये फिरोज़ा है शरीर फिरोज़ा सही है ये ओरिजिनल ईरानी फिरोज़ा है और इसके अलावा एक जो फिरोज़ा है ये एक कलर का जो फिरोज़ा कहलाता है ना अच्छी क्वालिटी का ये वो फिरोज़ा है जो आप देखें। हाँ फिनिशिंग तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है और ईरान सही बन के आते हैं सही। ये रिंग फिंगर में पहन पहने के तो बहुत अच्छा लगेगा उनको शौक है उसके हवाले से। ठीक है रेहान भाई अब हम चलते हैं मेरे फेवरेट स्टोन की तरफ जो कि मैंने आपसे एक दफ़ा पहले भी किया था नीलम नीलम ब्लू सफायर ब्लू सफायर ब्लू सफायर में एक ये स्टोन है एक क्वालिटी में और ब्लू सफायर में इतना खूबसूरत लग रहे हैं एक ब्लू सफायर में ये क्वालिटी है एक ये क्वालिटी है ये थोड़ा सा ब्लैक शेड पर है ये स्टोन सही ये देखें आप और एक क्वालिटी के हिसाब से जो है ये बेस्ट क्वालिटी है इसकी सही स्टोन की। अच्छा एक श्रीलंकन जो सफायर होता है वो कौन सा होता है श्रीलंकन होता है वो इससे इससे बेहतर क्वालिटी है वो इन दोनों से बेहतर होता है। ये श्रीलंकन स्टोन होता है ये विद सर्टिफिकेट के साथ है ये श्रीलंकन स्टोन है ये 4.42 कैरेक्टर स्टोन है और ये इसका सर्टिफिकेट है ये सर्टिफिकेट आप देखें 4.42 इसका वेट है और ये ओरिजिनल सलोन है सही। ये देखिएगा ये इसकी ब्यूटी चेक करें कितना खूबसूरत स्टोन है Thank you.
अच्छा मैं एक चीज़ जो बोलना चाह रहा था वो ऑलरेडी बात में आ गई, मैं सर्टिफिकेट के बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि जेमस्टोन लिए जाते हैं तो वो बहुत सारा दो नंबरी भी होती है उसमें, कि फेक जेमस्टोन लेके चलेगा या प्लास्टिक वाले लेके चलेगा, लेकिन इनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए सर्टिफिकेट बनवाना चाहें, कोई भी स्टोन यहाँ से परचेज करते हैं और सर्टिफिकेट भी लेना चाहें तो सर्टिफिकेट भी आपको बना के दे देंगे गैलेक्सी जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का, ठीक है। ये बाकायदा ऑथराइज इंस्टीट्यूट है जो कि जेमस्टोन्स को ऑथराइज करते हैं कि जेमस्टोन वगैरह बिल्कुल ओरिजिनल है, इसके साथ इसकी डिस्क्रिप्शन भी देते हैं, स्टोन का नाम विद ऑल द डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ होता है कि जी आपने जो स्टोन लिया है वो बिल्कुल ओरिजिनल लिया है और आप सेटिस्फाई होकर उसको पहन सकते हैं। ठीक है, आपके पास रेहान भाई सारे स्टोन अवेलेबल हैं, मतलब दो सारे वैरायटी वगैरह आपसे अवेलेबल है स्टोन में, जो बर्थ स्टोन के हिसाब से जो स्टोन लेने जाते हैं तमाम स्टोन मेरे पास क्वालिटी वाइज मिल जाएगा। आपने बर्थ स्टोन का जिक्र किया तो देखें मैंने भी अपना बर्थ स्टोन पहना हुआ है, ये एमेथिस्ट कहलाता है, ये भी मैंने इत्तेफाक से इन्हीं की शॉप से लिया हुआ है, मैं तो फर्स्ट टाइम से जो भी परचेजिंग कर रहा हूँ उन्हीं की शॉप से कर रहा हूँ, ये मैंने एमेथिस्ट पहना हुआ है, ये मेरा बर्थ स्टोन है। रेहान भाई एमेथिस्ट भी दिखा दें ताकि जो मेरी पैप के लोग हैं वो उसके ज़रा देख लें अगर पहनना चाहें तो। ये दानिश भाई एमेथिस्ट स्टोन है, ये भी नेचुरल स्टोन है जी जी, और इसकी क्वालिटी आप देख लें, मतलब मैंने जो पहना हुआ वो किसी वाली सेम क्वालिटी है ना। ये मेरा बर्थडे स्टोन है, फैब में जो पैदा हुआ है, मैं फैब में पैदा हुआ था। तो अच्छा ये स्टोन जो है, वैसे मैं बता देता हूँ जो इंटरेस्टेड लोग हैं कि ये स्टोन जो है वो आपके लिए पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत ज़बरदस्त है, कि आपको पीस ऑफ माइंड करना हो, डिप्रेशन से निकलना हो, या उसके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, क्योंकि ये हीलिंग स्टोन आता है। अच्छा इसमें भी दो कैटेगरीज होते हैं स्टोन, दो किस्म के होते हैं, हीलिंग स्टोन होते हैं और एक फॉर्चून स्टोन होते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। हीलिंग स्टोन होते हैं, आपने सुना होगा कि स्टोन से इलाज होता है लोगों का, तो वो हीलिंग स्टोन की कैटेगरी में आ जाता है। एक स्टोन है यहाँ पर दाने फरंग में आपको दिखाऊंगा, वो किडनी के लिए होता है, और इसी तरह ये हीलिंग स्टोन की कैटेगरी और बाकी फॉर्चून स्टोन होते हैं जैसे कि नीलम है और बाकी फिरोजा है और याकूत है, ठीक है, रूबी वगैरह, ये सब फॉर्चून स्टोन में आते हैं। ये दाने फरंग का मैं जिक्र कर रहा था, ये मलाखाइटी स्टोन है, इसको उर्दू में दाना फरंग भी कहते हैं जी जी, ये किडनी के स्टोन, किडनी के लिए कहा जाता है, सही, ये किडनी के लिए कहा जाता है। अच्छा एक दफ़ा रेहान भाई आपको याद होगा मैंने दाने फरंग खरीदा था, उसमें बकायदा किडनी जैसी वो बनी बनी उसका प्रिंट हुआ हुआ था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था वो, देख लो किडनी दाने फरंग की आप देखिए, ये किडनी इसमें बनी हुई है, अल्लाह की कुदरत है कि एक तरह से मेडिसिन की तरह है माशाल्लाह। फिनिशिंग बहुत प्यारी है, रिंग में पहने के बहुत खूबसूरत लगेगा, ये मेरी सजेशन है। अच्छा अब अपने मेरी जैसे कि ब्रेकेट का कलर हुआ, तो रेहान भाई दो तीन स्टोन तो आपने हमें दिखा दिया, एक स्टोन जो कि पब्लिक का मोस्ट डिमांडिंग स्टोन है, बहुत पसंद करती है पब्लिक को पहनना, दुर्रे नजब, तो वो ज़रा दिखा दीजिएगा। दानिश भाई दुर्रे नजब जो है ये स्टोन है, ये देखें ये क्लैरिटी के हिसाब से जो है ना, ये साफ दाना है और साइज़ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है, ठीक है, दुर्रे नजब है। अच्छा इसके अलावा इसमें एक मोहे नजब भी आता है, सही, मोहे नजब स्टोन होता है, उसमें ये कुदरती जो है बाल होते हैं, सही, ये मोहे नजब स्टोन है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है, दुर्रे नजब तो सब जैसे जानते ही है, ये मोहे नजब स्टोन है, सही जो है अच्छा स्टोन में शामिल होता है, सही। ये आप देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्टोन है, अंदर से बिल्कुल इसमें शेड्स आ रहे हैं, आप रिंग में बनवा के पहने। और अच्छा इसके बारे में एक बात बता दूँ, दुर्रे नजब जो है वो रिलीजियस पत्थर भी है, इसके बारे में अगर मैंने एक जगह सुना है कि पत्थरों का सरदार है, जितने भी स्टोन है ना उनका सरदार पत्थर कहा जाए अगर, तो वो दुर्रे नजब होता है, उसी की फैमिली का ये मोहे नजब है और इसको रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी हासिल है, ठीक है। अब तो हम चलते हैं रेहान भाई मेरे एक मोस्ट फेवरेट पत्थर की तरफ, जिसे रूबी कहा जाता है,
ये एक ऐसा पत्थर है, मैं आपको मैं अपनी बिलीफ बताता हूँ कि इस पत्थर की ज़्यादात मुझे ख्वाब में भी उठती है। ख्वाब में मुझे ये कहा गया था कि आप रू भी इस्तेमाल करें, तो क्योंकि मैं तो मेरा दिमाग ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों में चलता रहता है, तो पैसे वैसे हुआ, लेकिन ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव पत्थर है। तो ये देखिए ये रूबी स्टोन है, इसकी क्वालिटी साइजेस वगैरह इसमें बहुत कह रहे हैं, 5 कह रहे हैं, 6 आदमी कह रहे हैं, ये ज़्यादा यूज किए जाते हैं और एकदम एकदम क्वालिटी है, और इसमें क्वालिटी के हिसाब से सब बेहतर भी होते हैं और इसमें हल्के भी होते हैं, ये दरमियानी क्वालिटी है। तो इसमें आप देखिए क्वालिटी के हिसाब से जो ना नॉर्मल क्वालिटी है, इसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी में लेना चाहेंगे तो अच्छी क्वालिटी में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वीडियो थोड़ी डिटेल वीडियो हो गई तो आपको बता दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी का भी पता है, तो ये स्टोन जो है वो सन को अट्रैक्ट करता है और ये लियो स्टार जिनका है उनके लिए उनका ये नेचुरल स्टोन है। जैसे मेरा पाइसेस है तो मैं ये पहनता हूँ एमेथिस्ट, तो जिनका लियो है लियो वालों के लिए ये स्टोन है। खैर सारे आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस स्टार के लिए कौन सा स्टोन अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी स्टोन की तरफ। वो वैसे वो स्टोन नहीं है लेकिन वो फीमेल्स के लिए बड़ा अट्रैक्टिव है, वो ज्वेलरी वगैरह में बहुत यूज़ होता है और फीमेल्स को अगर वो गिफ्ट दिया जाए तो बहुत पसंद आता है। वैसे रेहान भाई एक बात पूछिए जानना चाहूँगा, एक हमारा दोस्त है अम्मार, उसकी शादी नहीं हुई हो रही है, तो उसकी शादी के लिए कोई ऐसा स्टोन है जो उसकी शादी हो जाए? ये तो स्टोन वो ये तो चले मजाक की बात है, जो होता है ना वो बनता है तो उसके हिसाब से फिर वो बताया जाएगा जी। देखिए ये आप इसका ये दानी जो ये जरकुन है वाइट, इसके कलर हैं 4 या 5 कलर हैं इसके, ये वाइट स्टोन है, वो कह रहे हैं वाइट की जगह वाइट स्टोन है, ये एकदम क्वालिटी के हिसाब से अच्छा स्टोन है, इसके कलर थे सारे यार माशाल्लाह। इसकी खूबसूरती देखें, जो लोग डायमंड डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते और गर्लफ्रेंड अफोर्ड कर लिया तो उसको डायमंड बना के भी दे सकते हैं। सही है, ये हमारे सारे स्टोन्स हो गए माशाल्लाह से, बहुत सारी हमने डिटेल वीडियो कर ली, मुझे लग नहीं रहा था कि इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी। आज हमने आपको मार्केट विज़िट करवाई जेमस्टोन्स की, जेमस्टोन्स का पूरा यहाँ पे सैलाब आया हुआ है माशाल्लाह, एक से एक जेमस्टोन है, आपकी फेवरेट तरीन जेमस्टोन भी यहाँ पे अवेलेबल है और ये जेमस्टोन के इंसाइक्लोपीडिया हैं रेहान भाई। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, कुछ भी लेना हो, कोई आपको कोई जेमस्टोन ऑर्डर करना हो तो बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह की मोस्ट अट्रैक्टिव वीडियोस के लिए, डिफरेंट वीडियोस के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, फनकेशियस। मज़ीद हम आपको इस तरह की मार्केट विज़िट करवाते रहेंगे, मज़ीद इस तरह की मार्केट विज़िट, फन और फूड के लिए हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।